हम स्टडी कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और उसका ये थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसके ऊपर एक और एग्जांपल कराता हूँ। देखते हैं, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन एंड 3x-31 इक्वल टू 8y, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इनको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सल्यूशन और दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, x, x के बाद y, 3y, उसके बाद इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट 1। अब सबके साइन, ये जो x है इसके आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या मानते हैं, 1, और साइन ना हो तो प्लस। ये 3y कैसा है, प्लस का। ये कांस्टेंट कैसा है, माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वाली 3x, सबसे पहले x वाली टर्म, उसके बाद 8y, y वाली टर्म, 31 कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, जो x वाला टर्म है वो प्लस का है, जो y वाला टर्म है वो प्लस का तो है लेकिन इक्वल टू के बाद दिया है, और y का होना चाहिए x वाली टर्म के जस्ट बाद, मतलब इक्वल टू के अंदर। तो प्लस 8y को अंदर की साइड लाएंगे तो माइनस 8y इक्वल टू, और कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के बाद होना चाहिए, और यहाँ पे 31 कांस्टेंट इक्वल टू के पहले दिया था, माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया। 3x प्लस का ही है क्योंकि एक्स वाली टर्म सबसे आगे होती है, सही है वो। प्लस 8y राइट साइड से लेफ्ट साइड में आया, इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज हुआ तो इसलिए प्लस से माइनस हो गया, और 31 लेफ्ट साइड से राइट साइड में गया तो इसलिए माइनस से क्या हो गया, प्लस। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशन से हम लेंगे इनके कोएफिशिएंट्स। ये जो एक्स है इसका कोएफिशिएंट है, एक्स नहीं लेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे, एक्स नहीं लेना है, एक्स के आगे का डिजिट लेना है, प्लस 1, और यहाँ कितना है, प्लस 3। एक्स के कोएफिशिएंट को बोलते हैं ए, ऊपर वाला ए वन, नीचे वाला ए टू। वाई का कोएफिशिएंट ध्यान से देखो यहाँ कितना है, प्लस 3, और नीचे कितना है, माइनस 8। प्लस 3 माइनस 8, ये बी वन ये बी टू। एक्स के कोएफिशिएंट ए वन ए टू, वाई के कोएफिशिएंट बी वन बी टू, कॉन्स्टेंट 1 माइनस 1 और प्लस 31। सी वन और सी टू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, एक्स अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू माइनस 1। क्या बताया था मैंने आपको, एक्स के नीचे क्या आता है, बी सी बी सी, वाई के नीचे सी ए सी ए, माइनस 1 के नीचे ए बी ए बी, सेंटर में माइनस माइनस माइनस। इस फॉर्मूले को कैसे मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में, मैं पढ़ा चुका हूँ। आप पिछले वीडियो को रेफ़र करके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देखे क्रॉस मल्टीप्लाई का, उससे ये फॉर्मूला आप रेफ़र कर सकते हैं। एक्स के नीचे बी सी बी सी, वाई के नीचे सी ए सी ए, माइनस 1 के नीचे ए बी ए बी। फिर यहाँ लिखते हैं 1 2 2 1, पहले 12 फिर 21, पहले 12 फिर 21, यानी पहले 12 बाद में 21। नाउ ध्यान दीजिए, बी वन और सी टू को इंटू करना है, ये बी वन ये सी टू, इनको इंटू करना है। 3 31 से इंटू होगा तो कितना आएगा, 93। बी वन प्लस सी टू प्लस 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 प्लस, बी टू को सी वन से इंटू करना है, बी टू कितना है, माइनस 8। सी वन कितना है, माइनस 1, इंटू कीजिए, 8 1 8, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 8, लेकिन प्लस 8 माइनस से इनटू होगा तो माइनस 8 हो जाएगा। सी वन ए टू, ये सी वन है, ये ए टू है। वन थ्री जा थ्री, माइनस प्लस माइनस, सी टू इंटू ए वन, सी टू 31 है और ए वन वन है, इंटू करिए 31, वन जा 31 प्लस प्लस प्लस, तो 31 कैसा लेंगे, प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो वो प्लस और माइनस जब इंटू होंगे तो माइनस देंगे। ए वन इंटू बी टू, ए वन इंटू बी टू, वन एट जा एट प्लस माइनस माइनस, ए टू को बी वन से, ये ए टू है ये बी वन है, ध्यान से। थ्री थ्री जा नाइन प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे और प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस ही आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ध्यान से। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कीजिए। 93 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचता है, 85। 93 बड़ा है उसका साइन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस कीजिए 31 और 3 34, 31 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 8 और 9 17, लेकिन 9 बड़ा है वो नेगेटिव है, तो साइन किसका, माइनस का। तो हमारे पास आया x अपॉन प्लस 85, y अपॉन माइनस 34 और माइनस 1 अपॉन माइनस 17। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में पार्टीशन करते हैं, पहले x कैलकुलेट करते हैं बाद में y कैलकुलेट करते हैं। अब हमें x चाहिए, ये x चाहिए। अगर आपको x चाहिए तो आपको x से मतलब है, तो आप y को यहाँ पर क्या कर दीजिए, हाइट कर दीजिए। इस y को मैंने हाइट किया, अब मेरे पास बचा x अपॉन प्लस 85 माइनस 1 अपॉन माइनस 17। माइनस ऊपर और नीचे हो तो कैंसिल हो जाता है, तो x अपॉन प्लस 85 माने 85, माइनस कट के 1 बचा और माइनस कट के 17 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 17, हमेशा इन दोनों को इंटू करते हैं। 17 अगर x से इंटू होगा तो क्या देगा, 17 इंटू x 17x, और 85 को अगर अपन 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 85। x को आप छोड़ दें और 17 को इंटू से कहाँ भेज दें, डिवाइड में। 17 वन ज़ा 17, 17 फाइव ज़ा 85, तो x कितना आया, 5। अब y के लिए करना है, हमें y चाहिए, ये y हमें फाइंड आउट करना है। तो y अगर फाइंड करना है तो x का तो कोई काम ही नहीं है, तो आप x को छुपा दीजिए और y वाली टर्म पढ़िए, y अपॉन माइनस 34 माइनस 1 अपॉन माइनस 17। ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाता है, ये 34 माइनस का है, माइनस लिखना पड़ता है, और माइनस कटने पर 1 और 17 का माइनस कटने पर 17। क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 17, 17y। अब माइनस 34 को 1 से इंटू करना है, 1 पे कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे, प्लस, इंटू कीजिए 34 वन ज़ा 34 माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 17 इंटू से कहाँ पहुंच गया, डिवाइड में। 17 वन ज़ा 17 टू ज़ा, तो y कितना आ गया हमारे पास, माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, x 5 y माइनस 2। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई पे सेकेंड एग्जाम्पल था।